हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शमी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो कि जॉब में प्रमोशन देख रहे हैं। अब क्या होता है कि आप किसी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आपने 10 ईयर 15 ईयर जॉब कर ली और आप चाहते हैं कि आपको कोई मैनेजरियल पोजिशन मिले, किसी कंपनी के CEO या CFO की पोजिशन को होल्ड करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के साथ में कि दे डोंट हैव प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। सिंपल बीकॉम होते हैं या आपने किसी मीडियोकर कॉलेज से एमकॉम या एमबीए किया होता है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की लैकिंग होने के कारण आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हमसे यूएसए से, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, गल्फ कंट्रीज से हमसे कॉल करते हैं और हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए शॉर्ट रन में एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब को अचीव करने के लिए यूएससीएमए से बढ़िया प्रोफेशन नहीं हो सकता। यूएससीएमए इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक और ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेजिग्नेशन। तो अगर आपके पास एक ग्लोबल मैनेजमेंट डेजिग्नेशन होगा, इट मींस दैट कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसके आई में आपके पास एक क्रेडिबल डिग्री है, आपके पास एक अथेंटिक मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है। तो यूएससीएमए डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट की प्रोफाइल में एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करने में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको यूएससीएमए एक मैनेजरियल पोजीशन में पोजीशन को होल्ड करने में और प्रमोशन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, मैंने यूएससीएमए को प्रमोशन में आपको हेल्प करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करेगा कि एक तो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और कोर्स का कंटेंट। देखिए, आप अगर पार्ट वन और पार्ट टू के कंटेंट को देखें तो यहाँ आपको प्लानिंग एंड बजटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट फाइनेंस, उसके बाद बजटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यूएस गैप का नॉलेज मिलता है। तो एक नॉलेज आपका इन्हेंस हो जाता है जिससे कि आप किसी भी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके अपने वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप में एक स्किल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप मुझे बताइए, क्या आपके पास 2 साल है कि आप किसी कोर्स में स्पेंड कर सकेंगे? देखिए, सीपीए करने जाएंगे मिनिमम 15-18 मंथ लग जाएंगे। कोई सा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इंडिया का अगर आप सोच रहे हैं, इट विल टेक 4-5 ईयर। ACCA में भी आपको 2.5-3 साल लग जाएंगे। तो एक ही कोर्स बचता है आपके पास, यूएससीए में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। विद इन 6-8 मंथ इस कोर्स को आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ में स्टडी करें। और एक वर्किंग प्रोफेशनल के काम को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वेट करना है, इसकी विंडोज रेगुलरली आप इसके एग्जाम दे सकते हैं, ऑन डिमांड आप आपके एग्जाम को कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन हो जहां आपको चीजों को मगअप नहीं करना, एनालिसिस करना है, तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहां आपको कोई लंबे लंबे एसे राइटिंग नहीं लिखना। ACCA करने जाएंगे आप तो उसमें आपको एसे राइटिंग होगी, आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने। यहां केवल 75% पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 2 केस स्टडीज आती है, तो जिसको कि आप 6-8 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। रेदर देन आप कोई बड़े कोर्स को एंटर करें, मेरा आपको सजेशन है यूएससीएमए आईएमए के द्वारा प्रोवाइड किया गया ग्लोबल डेजिग्नेशन एक वर्किंग प्रोफेशनल को इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली अच्छी प्रोफाइल को और प्रमोशन के लिए डेफिनेटली हेल्प कर। गाइस, अगर मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूं तो फिर आप चाहे कनाडा बात कर लें, गल्फ कंट्रीज, दुबई, सिंगापुर, कतर, ओमान, यूएसए, तो एक ग्लोबल मैनेजमेंट डेजिग्नेशन आने के कारण आपको इंटरनेशनल नॉलेज है। आप सोचिए, आज आप किसी कंपनी की प्लानिंग एंड बजटिंग में जब रोल प्ले कर रहे होंगे तो आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड बैंक, मैं उसके बाद बात करूं गूगल, अमेजोन, फेसबुक,
बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने का मौका मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आप प्रमोशन को अचीव कर लें, आप चाहते हैं आपका रेमुनरेशन अच्छा हो जाए और आपके पास एक इंटरनेशनल क्रेडिबल प्रोफेशन हो, यूएससी में इज द राइट पाथ। और जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, सीए शमी सलूजा का आपको ये कमिटमेंट, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमारी मेंटोरशिप बैच में आपको पर्सनल गाइडेंस के थ्रू इस इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने में हम हेल्प करते हैं। आप हमारे चैनल पर हमारी क्लासेस के वीडियोस को देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। सो अगर आप एक क्वालिटेटिव स्टडी के साथ में, पर्सनल स्टडी प्लान के साथ में अपने इंटरनेशनल कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।